हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है डीडीए जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के सेशन में, जहां हम रीजनिंग के 30 दिन लगातार 30 मॉक कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारी क्लास अपलोड नहीं हो पाई जब हमारी क्लास होनी थी। इसी कारणवश आपको एक दिन में 2 मॉक टेस्ट यूट्यूब पे रीजनिंग के दिखेंगे। इसका मतलब यही होगा कि हमारे जो 30 दिनों में 30 मॉक टेस्ट का जो हमारा टारगेट है वो अचीव होगा ही। हमारे टेक्निकल एरर की वजह से क्लास कल अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए आज आपको 2 क्लास यहाँ पे दिखेंगी। अपना जो टारगेट है 30 दिन में 30 मॉक का, वो पूरा जरूर करेंगे हम। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लेके चलूंगा, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की और सिर्फ अपने क्वेश्चन की बातें करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। देखिए आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन ना आजकल क्या हो रहा है, ये एसएससी से लिया हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एसएससी का। आप लोगों ने हमेशा ये नोटिस कराई था कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमारे जो कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ होती है, खासकर इस तरीके की, बहुत इजी लेवल के होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। जनरली कभी हम इनकी ना तैयारी भी नहीं करते हैं, कभी हम जब कोई पढ़ाता भी है रीजनिंग तो ना वो इतने मन लगा के इन चीज़ों को पढ़ाता है, ना ही पढ़ने वाला इनको पढ़ता है, क्योंकि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हम तो इसको बहुत ईजी समझते आ रहे हैं। आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे फिर वो हमारा रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अभी डीडीए का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें जो इजी जो पहले क्वेश्चन आते थे ना, उन्हीं को ही लेवल बढ़ा के कर दिए गए। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन में आपका बहुत टाइम लगने वाला है। मैं ये नहीं कह रहे वाला कि होगा नहीं, ईजी ये भी है, पर एकदम से स्ट्राइक करने वाली चीज़ें यहाँ पर मिस हो रही हैं, मतलब अब चेंजेस आ रहे हैं पैटर्न। तो मेरा जो सजेशन रहेगा ना इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता दिख रहा है तो आप एक बार के लिए इसको स्किप कर देना, ठीक है, एक बार के लिए इसको स्किप कर देना, बाद में टाइम बचे तो दोबारा लगा लेना। अगर एक पॉइंट पे आपको लगे कि बहुत टाइम लग रहा है, कई बार ऐसा होता है कि सामने सामने दिख जाती हैं, कई बार होता है कि भाई ढूंढ रहे हैं तो भी वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, तब के लिए तब स्किप करना है। अगर आप लोग इसको तुक्के वाली बात आ रही है कि तुक्का लगा दो, तुक्का नहीं लगाना है आप लोगों को, सीधा सीधा है कि अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तुरंत तो ही करना, नहीं तो अभी स्किप कर दो, दोबारा टाइम लगा देना, दिमाग लगा लेना, क्योंकि बड़े एविडेंटली दिखने वाले पैटर्न नहीं आ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें पैटर्न क्या लगा है। मैंने ध्यान से देखा तो मैंने एक एक करके देखा, और मेरा जो इन चीज़ों में फंडा रहता है वो एलिमिनेशन का रहता है, ऑप्शन एलिमिनेशन का, तो उसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे हम। तो देखो हमने ध्यान से देखा 83 और फिर 38 यहाँ पे नीचे आ गया, फिर वापस 83 आ गया, फिर 38 नीचे आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये ऑल्टरनेट चल रहा है, ये वाला 83 83 तो ऑल्टरनेट चल रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि जो ऑल्टरनेट था, यानी कि अब यहाँ से ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे ये 83 जरूर आएगा, और कुछ आए चाहे ना आए ये 83 जरूर आएगा, इतना मेरे को अभी ऊपर ऊपर से समझ आया। इतना ही देखते मैंने ऑप्शंस पे गया, तो पहला तो मैंने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि 83 नहीं है, 83 यहाँ पे है, दूसरा भी एलिमिनेट कर दिया, और चौथा अपना ऑप्शन रह जाता है 83। अब यहाँ से ही हमें एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना भाई हमें। हमने देखा 83 ट्राइंगल, हमें समझ में आ गया जो हमारा बॉक्स बनेगा ना, वो इस ट्राइंगल का भी मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, पर हमें ना इतना लॉजिक भी नहीं ढूंढना है, हमें पता है कि 83 ट्राइंगल हमारा फिट हो चुका है। अब मैं लॉजिक पे भी आ जाता हूँ। अब ध्यान से देखो एक्स वी क्या हो रहा है, वी उठ के डायगनल ऊपर जा रहा है, एक्स उठ के डायगनल ऊपर आ रहा है, तो ये ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब ऐसा ही क्या यहाँ पे भी हो रहा है, थ्री उठ के ऊपर जा रहा है, ट्राइंगल उठ के ऊपर जा रहा है, नहीं हो रहा, थ्री तो हमारा ऊपर उठ के चला गया पर जो ये ट्राइंगल था ना वो नीचे की तरफ आ गया, चलिए यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हम मतलब कि ये हमने देख लिया, अब इस वाले पे आओ तो यहाँ पे हमारा डी ऊपर जा रहा है और वी भी ऊपर जा रहा है, हमारा डी ऊपर आ गया, वी ऊपर आ गया, यानी कि यहाँ पे भी ऑल्टरनेट चल रहा है। यहाँ पे भी क्या ऑल्टरनेट चल रहा है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है और ये वाला यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो ये चीज़ होगी वो ये होगी कि भाई थ्री हमारा ऊपर जाएगा और ओ हमारा नीचे आएगा, थ्री हमारा ऊपर जाएगा और ओ हमारा नीचे आएगा, ठीक है। तो यानी कि थ्री तो ऊपर चला गया तो यहाँ पे हमारा नीचे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ओ आ जाएगा। जैसे ही ओ आया हमने देखा नीचे यहाँ पे डी है, इसको एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर 4 बच गया, ऑप्शन नंबर 4 बच गया। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, बहुत
यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। 83 वाला तो समझ में आ गया होगा। अब एक्स और वी को देखिए आप, ये ऊपर जा रहा है, एक्स भी ऊपर जा रहा है, वी ऊपर आ गया, एक्स ऊपर आ गया। अब थ्री हमारा ऊपर जा रहा है, ट्रायंगल हमारा नीचे आ रहा है, ठीक है। थ्री तो ऊपर आ गया, ट्रायंगल हमारा ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो डी ऊपर जा रहा है, वी ऊपर जा रहा है, ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया। तो इसका मतलब अब थ्री तो ऊपर आएगा और ये ओ है, ये नीचे वाली डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा देखा और हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्लिक हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये आपका ऑल्टरनेट चल रहा था, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लगाने वाला क्वेश्चन था। मेरे को एलिमिनेशन वाले मेथड पे इतने पे ऊपर भरोसा है ज़्यादा, इसलिए मैं एलिमिनेशन वाले मेथड पे जाता हूँ, तो उससे मेरे लिए चीज़ें आसान हुई, उससे मेरे लिए चीज़ें आसान हुई। कैसे आसान हुई मैं बताता हूँ, जब मैंने ये सॉल्व करा तो मेरे को कहाँ पे आसानी हुई, ठीक है। मैंने जब ये बॉक्स बनाया तो मेरे को 8383 वाला पता चल गया था, 83 वाला पता चलते ही मैंने एलिमिनेट करा इन दोनों को, और अब पता चल गया ट्राइंगल यहाँ पे आएगा। अब मैंने ना ये देखा कि ये ट्राइंगल यहाँ पे आया कैसे, बस इतना फाइंड करा और मेरा लॉजिक आ गया, इतना फाइंड करा लॉजिक आ गया। मैंने ट्राइंगल ऑप्शन से देख के चेक करा, ना कि ट्राइंगल बना के ऑप्शन में देखा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा आसानी से पता चला। उम्मीद करता हूँ एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। एल इज सिस्टर ऑफ जी, एल जो है वो सिस्टर है किसकी, जी की। जी इज सन ऑफ एम, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा इसे हमें। एल इज सिस्टर ऑफ जी, जी इज सन ऑफ एम, एम इज मैरिड टू डी, एम और डी की शादी हो रखी है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, अगर ये सिस्टर है तो ये मेल होगा क्योंकि ये शादीशुदा है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, ई इज सन ऑफ सी, ई जो है वो सन है किसके, सी के। सी इज मैरिड टू एस, सी और एस में शादी हो रखी है। और एस इज सिस्टर ऑफ पी, यानी कि सी सिस्टर है ये, तो ये मेल होगा और ये किसकी है, पी की। अब पूछा गया है हाउ एल इज रिलेटेड टू ई, एल और ई के बीच में क्या रिलेशन है। जी जो है, ठीक है, जी जो है वो एल के भाई हैं, और जी की माता जी, पिताजी कौन है, एम है। जी के पिताजी कौन है, एम है, यानी कि एल के भी पिताजी कौन होंगे, एम। जी की माता कौन है, डी है, तो एल की भी माता जी कौन होंगी, डी होंगी, यानी कि मम्मी कौन होंगी, डी। और ई क्या है, ई है डी की बहन, तो क्या हुआ, ई की बहन की बेटी है कौन, एल। ई की बहन की बेटी कौन है, एल। ई की कौन है, ये सिस्टर है, और इनकी बेटी कौन है, ये एल है, इनकी बेटी कौन है, एल है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्लियर होगा, सिस्टर। या आजकल इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें सिस्टर्स, डॉटर्स, सन्स, वाइफ, इस तरीके से, ऐसे नहीं लिख रहे सन इन लॉ या फिर डॉटर इन लॉ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सन्स वाइफ है, डॉटर ऑफ सन, सन्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर नहीं लिखा रहा है, ऑप्शन इस तरीके के आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टर्स डॉटर, बहन की बेटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आगे बढ़ेंगे। अब ये बोला गया कि कौन से दो इंटरचेंज करने, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को ना, जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं ना, कि भाई स्टार्टिंग करते हैं बॉडमास से, तो आप लोग इंटरचेंज में एक रूल अप्लाई कर लो कि भाई सबसे पहले आपको डिवीजन चेक करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी कि आप यहाँ पे देखो, ये डिवाइड वाला जो सम, जो साइन है, वो जिन दो लोगों के बीच में लगा हुआ है, वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी कि 75 डिवाइड हो जाएगा 15 से, हो जाएगा। तो इसको अब चेंज करने की हमारे मन में इच्छा नहीं जागेगी, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा होता तो हम देखते कि भाई करें या नहीं करें, तो इसको नहीं जागेगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई वाले को, अब हम किसको देखेंगे, मल्टीप्लाई वाले को। तो डिवाइड वाले को अभी छोड़ देंगे, अभी हमने काटा नहीं, हो सकता है, पर हम अपना एक अप्रोच तो रखेंगे ना, तो डिवाइड वाले जो ना, इनको छोड़ देंगे। अब हमारे पास ना एक ऑप्शन बचा है, दो ऑप्शन बचे हैं, प्लस और माइनस, और माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने देखा था पहले इसको चेक करेंगे, फिर किसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को। तो अब हम ऑप्शन नंबर ना 3 लगा के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 75 डिवाइडेड बाय 15, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा माइनस 8 प्लस में 14 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये किसके बराबर आएगा। तो ये हमारा जाएगा 5 पर, ये आ जाएगा माइनस 8, ये हमारा हो जाएगा 70, 8 में से 5 जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस में 70, तो 67। देखिए इसी अप्रोच से हमारा आंसर पहले ही उसमें आ गया है। ये अप्रोच मैं हर बार बताता आया हूँ कि आपको सबसे पहले डिवाइड चेक करना है, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 13 से 24 पर गए, 24
24 से हम 46 पर गए, 46 से हम 90 पर गए, 90 से 78 पे गए। मैंने देखा कि ना 13 का अगर मैं डबल करूँगा तो क्या होता है 26, 26 में से 2 माइनस, 13 इंटू में 2 26, 26 माइनस 2। उसके बाद अगर मैं 24 का डबल करूँ तो ये होता है हमारा 48, 48 में से 2 जाएंगे तो 46 आएगा, 46 का हमारा डबल होता है 92 यानी कि 92, 92 में से हम माइनस करेंगे 2 तो आएगा हमारा 90। तो अब हमें समझ में आ गया कि 178 का हमें डबल करना है और उसमें से माइनस करना है 1, तो हमें क्या करना है 178 इंटू में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 16, 15 और 356 माइनस 2 354, 354 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। अब हमें फिर से, मैं हर क्वेश्चन हर बार रिपीट करूंगा ये बात कि आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ये लाइनें नहीं पढ़नी है, पहले आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन पढ़नी है। ये इक्वेशन जब पढ़ोगे तब डिवीजन का मतलब यहाँ से देखोगे। ये करने का मकसद ये होता है क्योंकि आप क्या, अगर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे तो जो आप टाइम लगाओगे ना वो आपको याद भी नहीं रहने वाला है। आप ये सोच रहे हो कि आप पढ़ लोगे ए प्लस बी ये होता है ये होता है ये होता है, फिर यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे जैसे ही डिवाइड है ना फिर से दोबारा आपको यहाँ पे पढ़ने जाना पड़ेगा। तो पहली बार पढ़ने वाला टाइम वेस्ट क्यों करना है, आपको तो सेकेंड्स बचाने हैं अपने। तो आपको ये लाइनें नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट इस पे आना है। जी डिवाइड बाई एच, डिवाइड का मतलब है मदर, तो यानी कि जी इज मदर, जी इज मदर ऑफ एच। एच मल्टीप्लाइड बाई आई यानी कि ए इज ब्रदर ऑफ बी यानी कि एच इज ब्रदर ऑफ आई, एच इज ब्रदर ऑफ आई। आई माइनस जे, माइनस का मतलब है वाइफ, आई इज वाइफ ऑफ जे। जे प्लस के, प्लस का मतलब है ए इज फादर यानी कि जे इज फादर ऑफ के, जे इज फादर ऑफ के। हमसे पूछा गया है जी और के बीच में रिश्ता क्या है, जी और के बीच में रिश्ता क्या है। जी और के बीच में देखिए कि भाई के की जो है माता जी कौन है आई, और आई की माता जी कौन है जी, तो यानी कि ग्रैंड मदर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए वैसे नहीं आ रहे, तो ऑप्शन क्या आ रहे हैं भाई, के की मम्मी की मम्मी, के की मम्मी की मम्मी यानी कि मदर्स मदर। जी क्या लगी, के की नानी लगी, नानी का मतलब क्या है माँ की माँ, तो मदर्स मदर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कोड लैंग्वेज में वेलकम बैक को लिखा हुआ है ये, बैक टू स्कूल को लिखा हुआ है ये, तो बैक पूछा गया। दोनों में देखिए वेलकम बैक और बैक टू स्कूल में बैक कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इन दोनों में, इन दो लाइनों में जो कॉमन होगा वही होगा, तो एमपी और एमपी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ये किसके बराबर है, ब्लैक के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2166 से किस तरीके से रिलेटेड है, उसी तरीके से 3299 से, और हमें फाइंड करना है कौन सा रिलेटेड होगा हमारा। तो 21 और 66 की तरफ बढ़ने के लिए तो मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 63। 32 को भी हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 96। हमने देखा यहाँ पे हम जोड़ेंगे 3, यहाँ पे भी हम जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा 66, ये हो जाएगा हमारा 99। तो हमें कोड पता चल गया यानी कि हमें ऑपरेशन पता चल गए कि मल्टीप्लाई करना है 3 से और जोड़ना है 3। तो अब हम पहला ऑप्शन पे देखेंगे भाई, 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये कितना हो जाएगा 15, और 135, 135 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 138, और 138 ही दूसरा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये सिमिलर क्वेश्चन है। 12 ग्यारह 137 में आप लोगों को पता होगा, कभी भी 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दो टू डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होती है, जैसे मान लो 12 की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 11 से, तो क्या होता है 1 और 2 को आप गैप ले देते हो और दोनों का फिर आप कर दो सम, तो 132 ठीक है। और ये जो नंबर आ रहा है 137, तो मेरे को 137 देखते ही समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होके कुछ जोड़ा होगा, तो 132 में हमें 137 के लिए 5 जोड़े गए हैं। देखते हैं अब 17 और 21 की मल्टीप्लिकेशन करके क्या करा हुआ है। हमने 17 की मल्टीप्लिकेशन करी एक बार 20 से, और उसमें जोड़ा 17 की मल्टीप्लिकेशन करी एक बार 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 340 और 17, 340 प्लस में 17, ये हो जाएगा 357। 357 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा 362। तो यानी कि हमारा जो पहले पैटर्न बना था कि पहले दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आएगा उसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमें थर्ड नंबर मिलेगा, उसमें हमें थर्ड नंबर मिलेगा, ठीक है। अब हमें ना एक एक करके चेक करना होगा।
अब हमें एक एक करके चेक करना होगा, और ये काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब मैंने रिलेशन फाइंड कर दिया, ये आप लोगों को पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आप वीडियो के एंड के बाद ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं, ये हमें करेक्ट मिरर इमेज फाइंड करनी है, तो मिरर इमेज फाइंड कर देते हैं भाई हम। मिरर इमेज फाइंड करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मिरर इमेज जिस जगह पे बनी होती है उस जगह पे ही हमें बनाते हुए चलना होता है। ये हमारा इसकी तरफ ही आएगा, जिस जहाँ पे मुंह होता है हमारा वहीं पे हमारा बन रहा होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे बनेगा और ये पीछे की तरफ आएगा और ये हमारा ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो ये हमारा मिरर इमेज बन के तैयार है। तो ये कहाँ पे बन रहा है हमारा मिरर इमेज? ऑप्शन नंबर 1 में ही बन रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करेंगे। कैसे में करेंगे कि भाई ये वाली देखो, ये वाला जो एरो है ना, ये आपका ऐसे दिखना चाहिए। कहाँ पे दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब इनमें हमें फाइंड करना है कौन सा हमारा नॉट बिलोंगिंग टू द ग्रुप है। तो अब इनका नंबरिंग करके देखेंगे हम, 20, 22, 18, यानी कि टी का 20 है, वी का 22 है और आर 18 होता है। ऐसे ही हमारा होता है 4, 6 और 2, ये होगा हमारा 23, 25 और 21, एम होता है हमारा 13, 26 और 11। ठीक है, ध्यान से देखा, 20 में 2 जोड़े और 20 में 2 घटाए, 4 में 2 जोड़े और 4 में 2 घटाए, 23 में 2 जोड़ा और 23 में ही 2 घटाया। तो ये तो हमारे पैटर्न फॉलो हो गए, बचा एक। और इसमें 13 में तो हमने 13 ही जोड़ा, 2 नहीं जोड़े, 13 में 2 तो माइनस कर दिया पर यहाँ पे 2 नहीं जोड़े, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कैसे है ध्यान से देखेंगे हम कि 20, 24, 26, ठीक है, आपने देखा कि अगर हम 20 में 4 जोड़ रहे हैं, उसके बाद जोड़ रहे हैं 6, तो उसमें उसके बाद जोड़ रहे हैं 2, तो हमें इससे पहले अगर हम माइनस 2 करेंगे तो 14 में हमें क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये आएगा 18। हमारा क्या बन रहा है नंबरिंग का? +4, +2, +4, +2। कैसे? 14 + 4 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 4 = 24 और ये 26। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि 18 हमारा आना चाहिए था। ठीक है, अब हमने देखा कि 5, i 9 है, ये 11 है और ये 13, यानी कि 2-2 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 के बाद आएगा 7, 7 का होता है जी, तो यानी कि जी हमारा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। एक्स फाइंड करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं ये कितने नंबर बन रहे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो फिर से आप ये तो हमारा लास्ट पिछली क्लास वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब ये वाला इतना पार्ट ये पिछली क्लास वाला आ गया, क्वेश्चन हमारा कुछ और है। ये वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, वही मैं कहूँ ये तो आज ऑप्शन ऊपर कुछ और दे रखे हैं, नीचे भी कुछ और दे रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करिए आप, ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है, आप इसे इग्नोर करेंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, रिसेंट को इस तरीके से लिखा हुआ है, TGUCLR, आर 18, 5, 19, 5, 14, 20, 20, 7, 21, 3, 12, 18 में 2 जोड़े 20, 5 में 2 जोड़ा 7, 19 में 2 जोड़ा 21, 5 में 3 आना है तो 5 से 2 माइनस करा, 14 से 2 माइनस करा, 20 से 2 माइनस करा, यानी कि पहले 3 में हमें 2 जोड़ना है, बाद के 3 में हमें 2 घटाना है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, यानी कि जो हमें पर्सन का फाइंड करना है, पर्सन फाइंड करना है, तो पहले 3 में 2 जोड़ना है, लास्ट के 3 में 2 घटाना है। P 16 और 2 18, यानी कि R, E 5, 2 जोड़ना है 7, यानी कि G, R 18, 2 जोड़ना है 20, यानी कि T, S 16
एस 19, 19 में से 2 माइनस करने हमारे 17, 17 यानी कि एस, 17 यानी कि क्यू, ओ 15, 15 में से 2 माइनस करने हैं 13, 13 यानी कि एम, 14, 14 में से 2 माइनस करने हैं तो 12, 12 यानी कि एल। तो आर जी टी क्यू एम एल, आर जी टी क्यू एम एल ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखिए एक दो, ये पूरा है ये वाला पूरा, और ये नीचे छोटा वाला तीन, ये चार, ये पांच, ठीक है, और ये पूरा बन जाता है आपका छः, ये बन जाता है आपका सात, ये बन जाता है आपका आठ, और ये बन जाता है आपका नौ, और ये बन जाता है आपका 10। ये वाला इसको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ आपका, ये वाला आपका बन गया 10, और ये बना था पूरा आपका, बना था ये 9। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए आपके, टोटल कितने हो गए आपके, 10 हो गए। दोबारा काउंट करें एक बार, एक दो, अब इसको दूसरे कलर से दिखा देंगे, तीन चार पांच, ठीक है, पांच के बाद छः, और ये पूरा आपका बनेगा सात, सात के बाद ये बनेगा आपका आठ, ये बनेगा आपका नौ, और ये वाला हिस्सा बनेगा आपका 10। तो टोटल आपके 10 यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्लैंक्स फिल करने हैं हमें। तो ये हमारा चार लेटर है, ये हमारे चार लेटर का है, ये मतलब ये अलग अलग है चार लेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करना शुरू करेंगे, एक हमारा क्या है 1 होता है, वाई हमारा क्या होता है 25, यू हमारा 21 और एस हमारा 19 होता है। तो हमने देखा एक से 25 तक जाने के लिए माइनस दो, 21 से 19 तक जाने के लिए माइनस दो, तो यानी कि 25 से यहाँ पे माइनस दो करेंगे 23, 23 यहाँ पे आ जाएगा W। तो तीसरा अल्फाबेट हमारा W होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा होगा ही नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। अब यहाँ पे X आएगा, X X, तो यानी कि हमारा जो पहला अल्फाबेट है वो X कन्फर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे I G और O, अगर हम इसको फाइंड कर लेते हैं तो हमें और कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। G हमारा 7 है, K हमारा 11 है, M हमारा 13 है, O हमारा 15 है, यानी कि +2 +2 हो रहा है। तो साथ में अगर हम +2 करेंगे तो 9 9, यानी कि आई, तो आई आना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 रिजेक्ट हो गया, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आंसर निकालेंगे तो फास्ट आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स ऑफ ईच विल रिमेन अनचेंज। एम्पलीफाई को हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, एम्पलीफाई, यानी कि 1 13 16 12 9 6 और 25। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा, उसके बाद 6 9 6 9 हो गया, फिर आएगा हमारा 12 आएगा, फिर 13 आएगा, और फिर क्या आएगा हमारा, हमने कुछ छोड़ा क्या, एक आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, फिर 16 आएगा, और यहाँ पे आएगा 25। तो कौन कौन से अनचेंज रहे, एक हमारा अनचेंज रहा, उसके बाद 12 हमारा अनचेंज रहा, और 25 हमारा अनचेंज रहा। तो 3 ऐसे अल्फाबेट रहे जो अनचेंज रहेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए डिवाइड का स्टैंड करता है, यानी कि ए का मतलब डिवाइड है, सी का मतलब क्या है, प्लस है, ए का मतलब डिवीजन है, और 5 हो गया, बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और डी का मतलब है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या आएगा, 85 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17, 17 इंटू में 4 माइनस में 33, 114 प्लस में, तो ये आ जाएगा 68, 114 प्लस में 68 माइनस 33, तो ये हमारा आएगा 33 5 और 35, 114 प्लस में 35 9 49, 149 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर, यानी कि सारे के सारे जो एलिफेंट्स हैं वो टाइगर हैं,
ऑल टाइगर आर हॉर्सेस, सारे के सारे जो टाइगर हैं वो हॉर्सेस हैं। नो हॉर्स इज कैमल, कोई भी हॉर्स कैमल नहीं है, यानी कि कोई भी हॉर्स कैमल नहीं है। तो ये हमारा सिलॉजिज्म का हमारा जो डायग्राम है वो बन गया है। सम हॉर्सेस आर एलिफेंट, सम हॉर्सेस आर एलिफेंट, जी बिल्कुल सही बात है कि सम हॉर्सेस ये जो वाला जो हिस्सा है ये हॉर्स का कुछ हिस्सा ही तो है, सारे के सारे एलिफेंट हॉर्स हैं तो कुछ हॉर्स एलिफेंट हुए, ये बात सही है। सम कैमल्स आर टाइगर्स, कैमल तो भाई हॉर्स के अंदर जा ही नहीं सकते क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है, और टाइगर जो है वो हॉर्स के अंदर हैं, तो यानी कि कैमल टाइगर नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता, ये बात रॉन्ग है। तो ओनली कंक्लूजन वन यानी कि ऑप्शन नंबर फोर फॉलो होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द टर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट करना है हमें। यहाँ पे ना देखते ही आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि भाई कुछ कुछ तो नंबर्स के साथ छेड़खानी हो रही है। 72, 76, 76 यानी कि प्लस फोर यानी कि -4 हो रहा है, 76 से 72, 80 से -4 हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, यानी कि यहाँ पे 84 आना चाहिए। ऑप्शन में देखा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 84 है, तो ये इन चीज़ों को तो देखना ही नहीं था, बाकी के जो अल्फ़ाबेट है उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी देखने की क्योंकि हमारा नंबर से ही कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर फोर सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, फोर पेयर्स दे रखे हैं हमें, 55, 168, 26, 88, 46, 141, 35, 108, कुछ कुछ तीन की मल्टीप्लिकेशन का हिस्सा हमें दिख रहा है कि 55 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तीन से तो ये हमारा हो जाता है 165, और तीन जोड़ा तो 168 आ गया। क्या ये फॉलो हो रहा है, देखते हैं। 26 में अगर हम तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 18, और ये 78 आ जाता है, ठीक है। ये इसमें तो हमें 78 में तो 10 जोड़ना पड़ेगा। 46 में अगर हम तीन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18, 148 प्लस में अगर तीन जोड़ा तो हमारा 141 आ गया आंसर। 35 में अगर तीन से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाता है हमारा 105, और 105 में अगर तीन जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 108, यानी कि ये हमारा आ गया था 168। ये हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ई इस तरीके से बनेगा, डी हमारा ऐसे बनेगा, एच ऐसे बनेगा, और सिक्स ऐसे बनेगा। ये हमारा मिरर इमेज बन गया। आपको सबसे पहले पहला ही ई फाइंड करना है, ऐसे बना हुआ तो ये एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट करो, ये नहीं सॉरी तीसरा नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ आप एलिमिनेट करो। अब इसमें देखो कि भाई ई सेम है, ए सेम है, ये वाला ई सेम है, डी ये हमारा सेम नहीं है, डी ऐसे, डी ऐसे, मिरर इमेज डी की कैसे होती है, ये होती है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर थ्री भी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर वन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं हम, ये हमें ना सीरीज़ है, अल्फाबेटिकल सीरीज़ है, वही 7, 2, 23, 5, 26, 1, ठीक है, और बी 26, 24, 22। हम कुछ कुछ तो समझ पा रहे हैं और कुछ कुछ हमें लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो हम ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखना है। इसको थोड़ा सा मैं ना इंक्रीज़ कर लेता हूँ हमारा, अगर हम W से शुरू करें तो W है हमारा 23, X हमारा 24, Y हमारा 25, Z हमारा 26, उसमें एक ही जोड़ रहे हैं तो एक जोड़ने पर ये आ जाएगा ए, तो ए हमारा यही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी के भी चेक कर लेंगे अभी हम ऐसे ही, वी हमारा 22 है, एक्स हमारा 24 है, जेड हमारा 26 है, बी हमारा 2 है, तो दो दो माइनस हो रहे हैं तो 20 में से 2 माइनस करेंगे, अब 22 में से 2 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 20 यानी कि टी, तो अगेन यहाँ पे हमारा टी आ रहा है। जी 7, 5, 5 के बाद जेड हमारा 26, 26 मुझे लगता है यहाँ पे हमारा 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 माइनस करेंगे 3, तो ये हमारा ना जेड की जगह ना सी एक्स है, सी एक्स है, ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है, तो ये सी एक्स वाई होना चाहिए क्योंकि सी में से फिर 2 माइनस करा तो ए, ए में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 25, 25 यानी कि वाई, तो ये जेड एक्स वाई नहीं है, ये सी एक्स वाई है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इससे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो ये जेड एक्स वाई नहीं है, ये है सी एक्स वाई। अब हमारी ये सीरीज सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इसको भी हम फाइंड कर लेंगे भाई फटाफट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, कि 23, 18 आज के इस पूरे शिफ्ट में मैं अगर बात करूं तो दो तीन ही क्वेश्चन थे ऐसे अच्छा। एक तो हमारा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था, बीच में हमारा एक हमारा ब्लड रिलेशन वाला अच्छा था, उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा है और एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। 23, 18, 15, 46, 41, 12, 34, 18 और 34, 28 और 18, 16, 9 और 21। अगर हम बात करें यहाँ से कि 23, 18, ठीक है, 23 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा हमारा 15। ठीक है, 46 को अगर में से हम 41 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 5, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का, करते अगर 3 का तो 15 आता, और 5 से हमें 12 जाने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई हमारा वो नंबर नहीं हो रहा, तो अभी हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 34 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो आ जाएगा हमारा 18, ये 18 आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा 15 आ गया था। अब देखेंगे 16 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 7, 7 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा हमारा 21, तो ये हमारा 21 भी आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, जो कि ऑप्शन 1, 3 और 4 फॉलो कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा गलत हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि हमें नॉट बिलोंग का ही फाइंड करना था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, डी एच जे हमारा ए ई जी से डिनोट करा हो गया हुआ है, डी यानी कि 4, 8, J 10। यहाँ पे 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, यानी कि -3 हो रहा है। तो अब हमें फाइंड करना है ई के क्यू, यानी कि 5, 11 और 17। 5 में से 3 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा यानी कि बी बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे 8 यानी कि एच, 17 में से 3 जाएंगे यानी कि 14, 14 यानी कि एन, तो बी एच एन ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 383, 381, 377, 369, 353। 83 से 81 माइनस 2, 81 से 77 आपके माइनस 4 हो रहे हैं, 77 से 69 आपका यहाँ पे माइनस कितना हो गया 8 हो गया, 69 से 53 पे हम जा रहे हैं तो आपका माइनस 16 हो गया, यानी कि ये डबल होता जा रहा है माइनस। पहले 2 था, डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8, 8 का डबल हुआ 16, 16 का डबल होगा -32, तो ये आपका आ जाएगा 321। 353 में से 32 माइनस करेंगे तो 321, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन एक कल मैंने करवाया था, आज आपको होमवर्क देता हूँ, इस वीडियो के एंड में आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैलेंडर का टॉपिक आता होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। अगर फिर भी किसी साथी का नहीं हुआ और नहीं समझ में आया आंसर क्या होता है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको मैं अगली क्लास में एक क्वेश्चन ये वाला एक्स्ट्रा करवा के आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, कैसी लगी उम्मीद करता हूँ इंटरेस्टिंग लगी होगी। टेक्निकल एरर की वजह से आपको आज 2 क्लास मिलेंगी, तो इंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी की जो बागडोर है, ज़िंदगी का जो आपका फ़लसफ़ा है, वो आपके ही हाथों में है। जिस तरीके से आप मोड़ना चाहें आप मोड़ सकते हैं, मेहनत करके कहीं पर भी पहुँचा जा सकता है, एक छोटे से लेवल से होके भी उठ के बड़े लेवल पर जाया जा सकता है। तो जो भी आप चाहते हैं वो हो सकता है, उस पर आप भरोसा रखिए, मेहनत करिए और मन में विश्वास रखिए कि आपसे हो जाएगा। बेशक आपसे अगर अभी तक क्लर्क का पेपर भी नहीं निकला है, आप अगर मन में ठान लें आज कि IAS बनना है तो आप बन सकते हैं। अभी पीछे ही एक स्टोरी थी, ये 6ठी क्लास में एक बार फेल भी हो चुकी हैं, फिर भी उन्होंने IAS का पेपर निकाला। तो आप खुद देखिए कि स्कूल लेवल में अगर 6ठी क्लास में कोई फेल होकर IAS बन सकता है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो आप लोग भी मान के चलिए कि आप लोग सब कर सकते हैं और करने लग जाइए। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।